छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। लगाई हूँ मेहंदी, मेहंदी एक ही हाथ में लगा पाई क्योंकि राइट हैंड से तो एक ही हाथ में लगेगा, लेफ्ट हैंड से मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो बगल में एक है, उनको मैं बोली हूँ लगाने के लिए, देखिए लगा पाती हूँ कि नहीं आज। तो एक हाथ में तो मेरा मेहंदी लग गया है। शाम हो गई है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा का तैयारी हो गया है और यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा। पूजा करते समय क्लिप नहीं ले पाई, या तो पूजा करूँगी या क्लिप लूँगी। पूजा करने के बाद थोड़ा सा समय मिल गया था तो मैं पूजा रूम में ही बैठी हुई थी। और नीचे पूजा करने के बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर और चांद का वेट कर रही थी। 8:06-07 पर चांद निकलने का समय था और मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को चांद निकलने का इंतज़ार था। वो बार बार आसमान के ऊपर ही देखे जा रहे थे और फिर 8:06-07 पर चांद निकल आया था। और चांद निकल आने पर मेरी पूजा भी शुरू हो गई थी। ये सीख के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये सीख करवा में लगता है और जितनी 5 बार परिक्रमा करके अर्घ देते हैं। 1 बार परिक्रमा करने के बाद अर्घ देते हैं और सीख को नीचे गिराते हैं। इसी तरह 5 बार करते हैं, 5 बार परिक्रमा करते हैं और 5 बार सीख को नीचे गिराते हैं। इस तरह करते हुए अर्घ देते हैं। मैं ज़्यादा सज धज नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा थकावट ज़्यादा हो गया था। घर में कंस्ट्रक्शंस का काम भी लगा हुआ है, घर का काम भी है। वैसे तो हस्बैंड आए हुए हैं तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, फिर भी थकावट थोड़ा हो गया था, उसके वजह से मैं अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी। मैं यहाँ पर अर्घ दे रही हूँ। बच्चे भी सो रहे थे, कृति सो गई थी, कृष्णा फिर जाग कर आ गया था छत के ऊपर, मम्मी पूजा कर रही है इसलिए कह के। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मैं अपने पतिदेव को पास में बुला रही थी क्योंकि पति की ही पूजा उस दिन की जाती है। पूजा के दिन भी लेफ्ट राइट करते हुए नज़र आ गए थे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, एक जगह साथ खड़े हो ही नहीं रहे थे। इनको हर जगह का काम एकदम सुव्यवस्थित चाहिए, हर जगह अच्छा चाहिए। मैं इन्हें अगरबत्ती दे रही थी कि गमले में घोंस दीजिए, तो गमले में घोंसने के बजाय ऊपर वहीं पर एक था छेद, वहीं पर घोंस दिए। और जो चलनी से देखने का परंपरा है चांद को, वो मैं देख रही थी, वहीं पर मेरे हस्बैंड भी खड़े थे, पर मैं अभी चांद को देख रही थी तो वहाँ से वो साइड हो गए।
और चांद को देखने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को देख ली। करवा चौथ में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही होती है कि चलनी से चांद को देख करके हस्बैंड को देखते हैं, उसके बाद फिर जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद मैं करवा माता चंद्रमा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरी पूजा सफल हो। और फिर चांद को देखने के बाद मैंने जल ग्रहण कर ली। और मैं यहाँ पर बोल रही कि मुझे तोड़ कर खिलाइए मिठाई, ये तोड़ कर नहीं खिला रहे थे, बस ऐसे ही पूरा गोटा डाल दिए। तो कैसा लगा आज की वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।